धारा 370 खत्म करने के बाद से लोगों के अंदर भाजपा को लेकर एक उत्साह बढ़ा है। भाजपा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तारक सदस्यता अभियान में भी जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा वो पार कर गया। इसी में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधायक नीरज बोरा जी। नीरज बोरा जी, सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह का एक लक्ष्य रखा गया था सदस्यता अभियान के लिए, तो कितनी संख्या हो गई और कब तक चलने वाला है सर अभी ये? बहुत ही उत्साहजनक सदस्यता अभियान चल रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश में जो आज अभी सुबह माननीय सुनील बंसल जी ने आंकड़ा बताया कि हम लोग अभी तक 1,01,36,00,000 नए सदस्य जो इस वर्ष प्रारंभ हुई सदस्यता इसमें आज हम पूरी कर चुके हैं 1,36,00,000 के आसपास का। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि 3 तलाक बिल जिस तरह से पास किया गया था, तो कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम महिलाओं का भी इस बार पक्ष सर मिला है? देखिए, मुस्लिम मतदाताओं का रुझान बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा है और 3 तलाक का बिल एक मील का पत्थर है। निश्चित रूप से मैंने स्वयं बैठकों में, सभाओं में देखा है जिस तरीके से जब इस विषय को रखा जाता है और महिलाएं उठकर तालियां बजाने लगती हैं, तो यह इस बात का बयां करता है कि उनके मन में कितना दर्द था और वो इससे कितनी प्रसन्न हैं। तो निश्चित रूप से और बाकी और भी जितने कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, उसमें उस वर्ग को बड़ा लाभ हुआ है और हम देख रहे हैं कि मुस्लिम बूथों के ऊपर बड़ी संख्या में लोग सदस्य भारतीय जनता पार्टी का खुद आकर बनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आरएन टीवी से बात करने के लिए। हमारे साथ थे विधायक नीरज बोरा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा की नीतियां हमेशा लोगों के हित में रहीं और रक्षाबंधन पे उन्होंने देशवासियों को बधाई भी दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह से रक्षा सूत्र जोड़ने का काम करता है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों को जोड़ने का काम किया है। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ संदीप खेर, आरएन टीवी, लखनऊ।